अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। तो ये मेरा पहला व्लॉग है जिसमें अपनी वॉइस शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। हमारी वही रूटीन चल रही थी, हस्बैंड की ऑफिस की, मेरी घर की, तो सोचा कुछ चेंज के लिए कहीं चलते हैं। तो हम लाहौर गए, फिर काफ़ी अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। ईमान के साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में, और फर्स्ट टाइम आउट ऑफ सिटी जा रहे थे ईमान के साथ, तो काफ़ी एक्साइटेड थे हम। पार्क बिजनेस ट्रेन से हम जा रहे थे, फर्स्ट एक्सपीरियंस था पार्क बिजनेस ट्रेन का, काफ़ी अच्छा रहा। बहुत कंफर्टेबल ट्रेन थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे केबिन हैं, और देखें काफ़ी साफ़ सुथरा है, और चौड़ी चौड़ी सीट्स हैं, और बर्ड भी, बड़ी बड़ी बर्ड्स हैं, और अच्छा रहा काफ़ी हमारा एक्सपीरियंस। ईमान स्टार्ट में बहुत नर्वस थी कि मैं गिर जाऊंगी, ट्रेन हिल रही थी तो उसको लग रहा था कि वो गिर जाएगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई थी। एंजॉय करा ईमान ने भी बहुत ज़्यादा। ये दोपहर का व्यू है, देखें कितना प्यारा लग रहा है। जब ये ट्रेन चलना स्टार्ट हुई थी तो तब का है ये। ट्रेन में ऑब्वियसली इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैंने सोचा ईमान के लिए कुछ वीडियोस डाउनलोड करके ले जाऊं, ताकि फिर वो मुझे तंग ना करे। तो क्योंकि एक्टिविटीज़ तो कुछ करा नहीं सकती थी ट्रेन में एज सच, तो फिर इसलिए मोबाइल इज़ द अदर ऑप्शन। फिर मोबाइल में ही वीडियोस लगाई, और फिर इसके डायनासोर वाले टॉय ले गई थी, उसके साथ इसने इन्जॉय किया। कितना अच्छा व्यू लग रहा है, देखें ग्रीनरी कितनी अच्छी लगती है, आंखों को भी काफ़ी अच्छी लगती है। ट्रेन में जाने का ये फ़ायदा होता है कि बाहर के व्यूज़ अच्छे अच्छे से लैंडस्केप्स दिखने को मिलते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शो सम सपोर्ट। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं, ताकि मैं और भी ब्लॉग्स बनाऊँ। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, ट्रेन का बहुत अच्छा रहा, टाइम से चली और टाइम पे उसने पहुंचाया, काफ़ी अच्छा था। क्योंकि मोस्टली यही होता है ट्रेन में, यही डर लगता है कि पता नहीं टाइम से चलेगी और टाइम से पहुंचाएगी या नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा था, हमें टाइम से पहुंचा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।